ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला यानी कि खंड पहला और अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 10वां। हम सुन रहे हैं नेमे शराने की कथा जिसमें कि सारे ऋषि मुनि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछा था और सुत गोस्वामी अब आंसर दे रहे हैं। भागवत की कथा शुरू करने से पहले सुत गोस्वामी ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि पहले सुन लीजिए, भागवत सुनने से पहले क्या भाव होना चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला कि जिसके अंदर भागवत सुनने का रुचि पैदा नहीं हुई है उसके सारे धार्मिक कार्य व्यर्थ हैं। अल्टीमेटली हमें भगवान की कथा सुनना हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इस बारे में वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं इससे पहले कि सारे ऋषि मुनि उनको सुने। तो क्या बोलते हैं कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जीवन की इच्छाएं, एक जीव जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर इच्छा करना मैंडेटरी है। बिना इच्छा के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। कई लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, शून्य में ध्यान लगाओ। अब शून्य में कैसे ध्यान लगा? मैं शून्य नहीं हूं तो मैं शून्य कैसे बन जाऊं? ऐसा कैसे हो? कितनी देर, हाउ मच इट इज प्रैक्टिकल कि मैं मेडिटेट करूं शून्य के ऊपर, नथिंगनेस के ऊपर? बिकॉज संसार नथिंगनेस नहीं है, संसार इज फुल ऑफ वैरायटी। तो मैं कैसे शून्य की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा? इसलिए शून्यवादी प्रभुपाद ने शून्यवादियां कहते ना, निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिण। तो शून्यवादी को प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में काट के रखते हैं कि शून्यवादी से काम नहीं चलेगा, हमें भगवान के विषय में सोचना पड़ेगा, हमें भगवान की इच्छा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम इच्छा शून्य हो। कई बोलते हैं इच्छा शून्य हो जाइए तो आप धाम चले जाएं। कैसे इच्छा शून्य हो जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम एक जीवित व्यक्ति हैं, हम प्राणी हैं, जीवात्माएं हैं। जीवात्माएं जब तक जीवित हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तो मरने के बाद भी सक्रिय रहती हैं, हमेशा ही सक्रिय रहती हैं, इसीलिए तो जीवात्मा है। वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो। अब क्या किया जाए? इच्छा हमारी सारी भौतिक इच्छाएं, क्या किया जाए? हमें केवल उन भौतिक इच्छाओं को कन्वर्ट करना। इट्स लाइक हॉबीज। आज मेरा फुटबॉल खेलने की हॉबी है, क्रिकेट मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्रिकेट को कुछ दिन तक कंटिन्यूसली देखता रहूँ, थोड़े दो चार गेम खेलने लग जाऊँ तो मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगने लग जाएगा। यानी कि हॉबीज को चेंज किया जा सकता है, उसी तरह से इच्छाओं को, देयर आर नथिंग बट इच्छाएं, इच्छाओं को चेंज किया जा सकता है। जैसी इच्छा हम डेवलप करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम अक्सर रहते हैं, जहां हम अक्सर समय बिताते हैं, वैसी इच्छाएं हम करने लगते हैं। इसलिए यहां पर श्लोक बता रहे हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए, आनंद के भोग के लिए, सांसारिक आनंद के भोग के लिए हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें केवल दुख देगा और कुछ नहीं देगा, से ज्यादा ऑल पेन, और कुछ नहीं मिलेगा। यही सारे शास्त्र कहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं कि संसार में यदि आप आनंद की खोज करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखों का घर है, दुखालय है। तो यहां कह रहे हैं इसलिए इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की कामना तो करनी चाहिए, स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए। क्यों? आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। यानी कि स्वस्थ जीवन भी इसीलिए ताकि हम आत्म ज्ञान में बढ़ पाए। कहते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, हम अपने आप को डिस्कवर कर पाए, डिस्कवर योर सेल्फ जैसे हम कहते हैं, हम अपने आप को खोज पाए। इसके लिए स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो मन भी स्वस्थ नहीं होता है, तो विचार भी स्वस्थ नहीं होते हैं, सब कुछ गंदा लगता है, संसार में कुछ करने का मन नहीं करता है। इसलिए आज की डेट में स्वास्थ्य, सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंडस्ट्री बहुत बड़ी चल रही है स्वास्थ्य के ऊपर, कई सारे जिम खुल गए हैं, कई सारे योगा प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ओनली प्रॉब्लम इज कि उन लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि स्वस्थ रहना किस लिए है। इसलिए जितने भी लोग स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से भोग कर सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संसार बनाने वाले ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो जगह है, जो जेल है, जेल में अगर कोई कैदी बोले कि जी ऐसा करिए, आज कबड्डी का मैच रखिए, कल खो खो करिए, परसों क्रिकेट मैच खिला दीजिए, सर बहुत बोरियत हो रही है,
हाँ फिर कुछ जरा मलाई कोफ्ता बना दीजिए, फिर ये बना दीजिए। तो वो क्या कहेगा जेलर कि जेल में है भाई, किस लिए आया है जेल में, भूल गया तूने क्या किया है, तेरे को सजा मिली है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हम इस संसार में हैं एक तरह की जेल है। क्यों एक तरह की जेल, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो लेकिन वो बूढ़ा हो ही जाता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि वो मरे वो फिर भी मरता है, जैसे जेल जेल के अंदर जेल कैदी पिटता है। हम भी यहाँ अलग अलग दुखों से निरंतर पिटते हैं और पिट पिट के धीरे हमें समझ में आता है। कई व्यक्तियों को जल्दी समझ में आता है, कई व्यक्तियों को बड़ी धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। प्रभुपाद कहते थे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, ये जगह जेंटलमैन के लिए है ही नहीं, यहाँ तो धोखा फरेब यही सब है, ऐसी जगह में क्यों रहने की इतनी आकांक्षा करी जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की ओर यदि आप सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए इच्छाएं करेंगे तो परपेक्चुअली यहीं पर रहेंगे, बार बार पैदा होंगे बार बार मरेंगे। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की आकांक्षा करनी चाहिए ताकि वो आत्म संरक्षण की कामनाएं भी कर पाए। इसलिए बी हेल्दी। ओके, हेल्दी रहने के लिए इतना समय लगाइए, इतना नहीं कि पूरा दिन हेल्दी रहने में लगाए। कई व्यक्तियों कहते हैं हम थोड़ी क्लास सुनने आइए, नहीं है तो मेरे जिम का समय है। अच्छा सवेरे आ जाइए, नहीं सवेरे तो जॉगिंग का समय है। तो फिर उस स्वास्थ्य रखने का फायदा ही क्या हुआ जब उसको आध्यात्मिकता के लिए यूज नहीं किया। तो एक कार को आपने इंजन, कार का इंजन में ऑयल डलवा लिया, उसकी सर्विसिंग करा ली, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा ली, उसका क्लीनिंग करा ली, वॉशिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, टफलॉन कोटिंग करा ली, सब करा लिया, बस उसमें चला के उसको गए नहीं। तो उसी तरह से शरीर में सब कुछ स्वस्थ कर लिया लेकिन जिस पर्पज के लिए था उस पर्पज के लिए यूज नहीं किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, इसी के लिए स्वस्थ रहने की कामना कर सकते हैं, पर उतना ही प्रयास कर सकते हैं जितना कि आध्यात्मिकता के लिए जरूरी है। इसलिए यदि आपका खाना पीना स्वच्छ हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, हाँ खाने को सात्विक खाने का, तो 90% बीमारियां समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं शारीरिक। कुछ तो हमारी बचपन से चली आ रही है, पहले से ही हमने अपने शरीर को बिगाड़ रखा है, अचानक से तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इसी दिनचर्या को बचपन से बिताए, हाँ मंत्र मेडिटेशन करे, भगवान की भक्ति करे बचपन से ही, और ये सात्विक जीवन बिताए जैसा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके शारीरिक समस्याएं भी अक्सर सॉल्व हो जाती हैं। फिर उसको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल तरीकों से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। सुत गोस्वामी बताते हैं कि मानव को किस लिए बनाया गया, परम सत्य की जिज्ञासा करने के लिए। जो हम अक्सर कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग बड़ा तेज है, लेकिन उस तेज बुद्धि से क्वेश्चन ये आता है हमने किया क्या। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी को हीरा मिला, तो हीरा तो मिल गया लेकिन उस हीरे का करा क्या, क्योंकि वो जानता नहीं था वो क्या है, एक पत्थर सा लगा चमकीला सा। तो खुरपी, जो माली होता है, माली ने अपनी खुरपी को तेज करके घास काटना शुरू कर दिया, अरे ये तो बड़ा अच्छा पत्थर मिल गया। तो हमें समझना पड़ेगा जो हायर इंटेलिजेंस मिली है उससे हम कर क्या रहे हैं। अगर उससे हम यही कर रहे हैं कि कैसे कौन सी आइटम को बनाना सीखा जाए, अब क्या खाया जाए, हाउ टू ड्राइव गियरलेस कार, हाउ टू कोई वीडियो गेम कैसे खेला जाए, कुछ पंक्तियां कैसे लिखी जाएं, या क्या क्या किया जाए संसार में। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो हम कहते हैं जानवरों में भी होता है। आप जानवर में देखिए कितने पक्षी हैं, तोता है तो कितने तोते ऐसे हैं जो आप बोलो उसको रिपीट कर देता है, इतनी कोयल है जो इतना अच्छा गाती है, मोर है इतना अच्छा नाचता है। तो अगर हमने नाचा ही, खाया ही, गाया ही, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, जिज्ञासा करने के लिए मिला, परम सत्य के विषय में। परम सत्य का मतलब क्या है, जो कभी झुठलाता नहीं है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर मार्केट कब तक बढ़ेंगे, हाँ शेयर के प्राइस कब तक बढ़ेंगे, कब गिरेंगे, तो टेम्परेरी है, क्योंकि आज गिर रहे हैं कल बढ़ जाएंगे, पर कल बढ़ेंगे परसों गिरेंगे, आज ये कंपनी है कल ये कंपनी, अगर दिवालिया हो जाएगा इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कल कब कंपनी नहीं रहेगी। आज हमने जानकारी करी अपने किसी रिश्तेदार के बारे में खूब जानकारी, कल वो रिश्तेदार रहे ना रहे। इसलिए परम सत्य क्या है, जो हमेशा रहता है, भगवान हमेशा रहते हैं। इसलिए उनके बारे में जिनका जानकारी करना, जिज्ञासा करना जरूरी है ताकि हम उनके नित्य धाम में जा पाए। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई और लक्ष्य नहीं, यानी कि कोई भी जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हैं, जो हम रिचुअल्स करते हैं, उसका कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जितने भी हम रिचुअल करते हैं हमेशा ये सोचिए, कई बार लोग कहते हैं कि रिचुअल करें या ना करें, क्या रिचुअल सही है। हम कहते हैं वो रिचुअल सही है जो आपको इस परम सत्य की खोज की तरफ ले जा रहा है, बाकी सब रिचुअल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनेक 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 रिचुअल बन चुके हैं और हम भी लकीर के फकीर की तरह उन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं जिनका हमारी आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन आध्यात्मिक नियमों को कई बार हम बोल देते हैं कि ये हुआ बींग टू मच फॉलोइंग, ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। लेकिन हम खुद ही घर में कोई शादी होती है तो कोई बोलता है हल्दी को पैर पे लगाना है, हल्दी को आंख पे लगाना है, अब ये गांठें बांधी जाएंगी, अब ये गांठें खोली जाएंगी, अब कान यहाँ कंगना लटकाया जाएगा, बहुत सारे रिचुअल कितने होते हैं। पुराने पुराने लोग निकल निकल के आते हैं बताते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता है हम बताते हैं, कितनी वैल्यू हो जाती है उन लोगों की उस वक्त। लेकिन इतनी अनेक अनेक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज में जो रिचुअल हमें इस परम सत्य की खोज की तरफ ले जाते हैं वो रिचुअल जरूर करने चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए देखते हैं तो बचपन से ही उन्हें इन मंत्र के जप करने की आदत पड़ जाती है, एक तरह से उनके लिए रिचुअल हो गया, क्योंकि अभी उसको जानते नहीं है महत्व, लेकिन ये रिचुअल उनको उस परम सत्य की तरफ ले जा रहा है। धीरे धीरे उनकी क्लास में बैठने, जैसे हमारे कई सारे बच्चे हमारी कक्षाओं में बैठते हैं, अब कक्षा में बैठना और कथा सुनना उनके लिए बचपन से एक रिचुअल बन गया है कि नहीं, लेकिन ये रिचुअल उनको धीरे धीरे परम सत्य की तरफ ले जा रहा है, इसलिए ये रिचुअल बड़ा आवश्यक है। लेकिन एक पंडित जी से पाठ कराना के लिए कि ये पाठ कराना एक रिचुअल है, हर मंगलवार को पंडित जी आएंगे और कुछ कुछ करके जाएंगे और 50 साल इसको बीत गए ना तो कोई परम सत्य का पता चला, बस ये पता चला कि पंडित जी 50 साल पहले 500 रुपये लेते थे, अब पंडित जी का बेटा 5000 रुपये लेता है, अब वो बेटा आने लगा है, और कुछ नॉलेज का गेन नहीं हुआ, तो ये रिचुअल सेरेमनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये आपको परम सत्य की तरफ नहीं ले जा रही है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण की आवश्यकता पड़े, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि खाना बंद कर दीजिए, जीभ में टेप लगा लीजिए दाल खाने से पहले ताकि जीभ का स्वाद ना आए, ऐसा नहीं कहा हमने। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति, ये जो टेस्ट दिया जीभ में, ये भगवान ने ही तो दिया है। कई लोग कहते हैं हमसे, ये भी कहते हैं, अरे भगवान ने ही तो बनाई है सारी वस्तुएं, आप क्यों कहते हैं ये मत करिए वो मत करिए। हम कहते हैं तो भगवान ने तो कैक्टस भी बनाया है, तो कैक्टस को भी खा लेते हैं क्या, गू को भी खा लेते हैं क्या? नहीं, उसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, करते हैं कि नहीं है। अभी हम अपनी बुद्धि से करते हैं, हम कह रहे हैं वही जो डिफरेंशिएट आप कर रहे हो उसको शास्त्रों के आधार पर कर लो, बस इतना ही तो है, बाकी आप खाओ क्या, हम नहीं खा रहे हैं, हमारी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है, हम आनंदित नहीं लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेवल तक इंद्रिय तृप्ति करी जा सकती है, उसको फिर हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कहते, उसको हम रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, समझ रहे हैं आप, रेगुलेटेड, इट इज रेगुलेटेड एज पर वैदिक लिटरेचर, जो शास्त्र हैं उसके अनुसार। जैसे कि एक पुरुष और स्त्री का संबंध अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वही पुरुष और स्त्री का संबंध, हाँ शारीरिक संबंध, अगर विवाह के बाद करा जाए तो उसको सब लोग वैलिडेट करते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उसके अंदर भी अलग अलग नियम आते हैं कि किस प्रकार से शारीरिक संबंध होना चाहिए, कैसे संस्कार होना चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए संस्कार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आजकल तो शादी से पहले कुछ मूवीज दिखाना, कुछ ये करना, नॉलेज बढ़ाई जाती है डिफरेंट चीज़ की, शास्त्र बताते हैं कि ये भी एक, हाँ ये भी एक एक तरह का संस्कार है, हाँ जिसको हम कहते हैं गर्भदान संस्कार, इसको कैसे परफॉर्म किया जाए। तो यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी एक तरीका है, उसको कैसे किया जाए, यदि हम उसको जान जाएंगे तो हम पापमय जीवन से दूर हो जाएंगे, और हम खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे बट इस पापमय जीवन से दूर जाएंगे। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, हाँ क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, जीभ खाने के लिए है बट जीभ अनरेस्ट्रिक्टेड खाने के लिए नहीं है, जीभ खाने का टेस्ट लेने के लिए है लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड खाने का टेस्ट लेने के लिए। आप प्रसाद पाइए, उसमें बहुत स्वाद है, बहुत टेस्ट है, लेकिन वो कुछ सात्विक तरीके से बनाया गया है, सात्विक तरीके से परोसा गया है और सात्विक तरीके से खाया जाता है। तो इस प्रकार से जीभ का स्वाद भी आता है और चेतना की शुद्धि भी होती है। आगे चलते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत सूत गोस्वामी यहाँ पर रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमें ध्यान से सुनना है क्योंकि पूरी भागवत में आप इसको बार बार सुनेंगे। क्या है कि जो परम सत्य को जानने वाले लोग हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, तत्ववेता है, वो भगवान को 3 लेवल पे जानते हैं, वो है ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और इस पे अक्सर इनका झगड़ा होता है संसार में कि भगवान तो निराकार है,
भगवान तो हर जगह पर व्याप्त हैं, आप कहते हैं मंदिर में है, हाँ क्या भगवान सब जगह नहीं है? नहीं, तो क्या भगवान हृदय में नहीं, आपके और मेरे हृदय में नहीं है? तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों कहते हैं कि भगवान के धाम में है? वो तो सबके हृदय में है। तो इसका खुलासा यहाँ पर कर रहे हैं सुत गोस्वामी कि जो परम तत्व को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि भगवान को 3 लेवल्स में जाना जाता है, एक परब्रह्म, एक परमात्मा और तीसरा हो गया भगवान स्वयं। और इसको शिल प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कई बार समझाते हैं कि सूर्य की रोशनी, सूर्य लोक और सूर्य देव। तो जब हम भगवान को चारों तरफ फैला हुआ एक ब्रह्म के रूप में जानते हैं तो चारों तरफ फैली हुई सूर्य की रोशनी की तरह समझ सकते हैं। सूर्य की रोशनी का कोई साकार रूप है? आप कह सकते हैं मैंने धूप को पकड़ लिया, या धूप चकोर है, धूप गोल है, धूप लंबी है, धूप टेढ़ी है? धूप तो धूप है, वो तो सब तरफ फैली हुई है। इसको कहते हैं भ्रम है, एक तरह से भ्रम ही हो जाता है वहां। तो जो सब जगह व्याप्त है ये जो भगवान है, तो ये कोई कहता है ये भगवान है, ओके समझ में आ गया ये भगवान है। अब क्या धूप ही सब कुछ है या धूप कहीं से निकलती भी है? धूप कहीं से निकलती है, उसको हम सूर्य लोक कहते हैं। क्या सूर्य का कोई आकार है? हाँ सूर्य का आकार तो दिखता है, वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा का आकार दिखता है शरीर में, सुंदर से उनके 4 चतुर्भुज होते हैं, उनके हाथ में चक्र गदा पद्म इत्यादि होता है, बड़े सुंदर लगते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, गहरे नीले रंग का उनका होता है रंग होता है, कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, इस प्रकार से कुछ रूप नजर आता है। लेकिन क्या ये सच मायने में यही रूप है? हमें तो सूर्य इतना सा दिखता है, अगर हम ऐसे करें तो सूर्य को पकड़ ही लें लगता है, लेकिन वास्तव में सूर्य का क्या साइज है, कैसा है, वो तो सूर्य लोक में जाके ही पता चलेगा। तो वही है भगवान। तो परमात्मा रूप में उनका एक अंश हमें अपने हृदय के अंदर दिखता है, ब्रह्म रूप में कोई साकार रूप नहीं दिखता है, परमात्मा रूप में हृदय में एक आकार दिखता है, लेकिन वो वास्तविक आकार नहीं होता है, और वास्तविक उनका रूप रंग हमें दिखता है उनके धाम में जाकर। लेकिन उनकी शक्ति इतनी महान है कि वो एक साथ अपने लोक में भी होते हैं, हमारे हृदय में भी होते हैं, और संसार के हर कण में भी एक साथ व्याप्त होते हैं। जैसे कि सूर्य, उसी तरह से हमें समझना चाहिए, सूर्य तो फिर भी एक भौतिक एलिमेंट है, भगवान की शक्ति है, वो तो स्वयं भगवान है, तो क्यों नहीं भगवान ऐसा करते? तो इसलिए जो शास्त्र है वो कहते हैं कि भगवान निराकार है एज वेल एज भगवान साकार है। साकार उनका ओरिजिनल रूप है, निराकार उनकी शक्ति का रूप है। धूप क्या है? धूप सूर्य देव की शक्ति है। तो इस तरह से इसको हमें समझना चाहिए। तो सुत गोस्वामी बहुत अच्छी बात स्टार्टिंग में इस तय कर देते हैं कि देख लीजिए आगे बहुत कुछ होने वाला है, पहले समझ लीजिए कि भगवान किसको कहते हैं। हाँ भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उनको श्याम सुंदर कहते हैं, और बाकी उनकी शक्तियां हैं परमात्मा रूप में और परब्रह्म के रूप में। ठीक है, तो बहुत अच्छी नॉलेज आज सुत गोस्वामी ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।